नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, अर्थराइटिस। जी हाँ, अर्थराइटिस और उसके अलावा भी जो जोड़ों के दर्द होते हैं, इसके आयुर्वेदिक उपचार आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अर्थराइटिस दो टाइप के होते हैं, दोनों तरह के अर्थराइटिस, जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेउमाटोइड अर्थराइटिस में आप एक दवा का प्रयोग करें जिसका नाम है चूना, वही चूना जो आप पान के साथ खाते हैं। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज सुबह खाली पेट 1 कप दही में मिला के खाना चाहिए, नहीं तो दाल में मिला के, वो भी नहीं तो पानी में मिलाकर लगातार 3 महीने तक पिए तो अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। ध्यान रहे, पानी पीने के समय हमेशा बैठ के ही पानी पीना चाहिए, नहीं तो ठीक होने में बहुत ही समय लगता है। अगर आपको आपके हाथ या पैर की हड्डियों में खटखट की आवाज़ आती है तो भी चूने के पानी से ये भी ठीक हो जाएगा। दोनों तरह के जो अर्थराइटिस हमने आपको बताए, इन दोनों के लिए और एक अच्छी दवा है मेथी दाना। जी हाँ, अगर आप मेथी दाने का भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी अर्थराइटिस बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना 1 कांच के गिलास में गर्म पानी लेके उसमें डाल दें, फिर उसको रात भर भिगो के रखना। सवेरे उठ के पानी सिप सिप करके, इसमें जो पानी निकलता है उसे सिप सिप करके पीना है और मेथी के दाने को चबा कर खाना है। 3 महीने तक लेने से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। इसको 3 महीने तक अगर आप करते हैं, मेथी दाने को इसका इलाज करते हैं, तो आपका अर्थराइटिस 3 महीने में ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, पानी पीने के समय हमेशा बैठ कर ही आपको पानी पीना है ताकि आपको आराम जल्दी मिले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जान गए हों कि अर्थराइटिस को आयुर्वेदिक तरीके से कैसे ठीक किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड चल रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछना या बताना हमें ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।